हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। तो भाई लोग, जितने लोग जामिया से हैं, एएमयू से हैं, डीयू के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जेएनयू की प्रिपरेशन, जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता है कि डीयू जो है, डीयू ध्यान से देखिए, डीयू पे मुहर लग चुका है कि जो डीयू है वो 22-23 के सेशन में अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगा, सीयूसीटी से लेगा, सीयूसीटी से अब एडमिशन होगा। अब वो वाला मामला ख़त्म हो गया कि भाई साहब ये जो है, ये नोटिस भी आप देख सकते हैं, अब वो वाला मामला नहीं रहा कि अब 12th में टॉप अप कर लो, घसीट घसाट के और फिर डीयू में पहुंच जाओ, अब होगा सीयूसीटी से और अब आएगा असली मज़ा, अब पता चलेगा कि हु इज़ टॉपर, ठीक है। क्योंकि यार कोविड में बहुत बहुत ऐसा लगा मुझे, कई बच्चे कि जिन्हें कहाँ ही कहीं और होना चाहिए और वो कहीं और चले गए हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे मार्क्स मिला था, लेकिन जो भी मिला ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फाइनली डीयू ने भी ये डिसाइड किया कि ठीक है कि हम वो भी इंट्रेंस लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीयू, जेएनयू और जामिया समेत बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें एडमिशन की परिपाटी बदल गई, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और सब में जो एडमिशन है, ध्यान से देखिए, सीयूसीटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होगा। दिस इज गुड थिंग फॉर अस और उन लोगों के लिए भी जो लोग डीयू इस सोच में, इस तैयारी में बैठे थे कि डीयू का एंट्रेंस हो और हम वहाँ से एडमिशन लें, ठीक है। और ये चीज़ बहुत बढ़िया बात है कि डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी एडमिशन सीयूसीटी से लेना शुरू कर दिया। तो गाइज, सारे लोग सीयूसीटी के लिए तैयार हो जाए, अब तो भाई बोर्ड का छोड़ो ही, अब डीयू में भी एडमिशन किससे होगा, सीयूसीटी से होगा। तो नॉट ओनली डीयू, जामिया की भी जो तैयारी कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, भाई साहब अब सीयूसीटी के प्रिपरेशन पे आओ जल्दी। डीयू वालों ने तो कंफर्म भी कर दिया, इनके भी वेबसाइट पे जल्दी ये नोटिस आएगी और जैसे जैसे जिनके वेबसाइट पे जो नोटिस आएगी उस पे मैं वीडियो आपको बना के बताता जाऊंगा। तो जो लोग जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक नया बैच भी लॉन्च किया है। हाँ जी, सही सुना आपने कि सीयूसीटी की, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि सीयूसीटी की प्रिपरेशन के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सीयूसीटी के पूरा, सीयूसीटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, ठीक है, स्टडी मटेरियल सब कुछ हम देंगे। लास्ट ईयर भी BHU, जामिया, AMU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ से गुड रिजल्ट रहा और इस बार भी रहेगा, ठीक है। तो लेट ना करें, अगर आप DU, जामिया, ठीक है, JNU या फिर AMU जैसे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन करें, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, अभी AMU वाली बात जो है ना, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या AMU इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग उनके तरफ से, AMU की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है और इसके लिए हम लोग एडमिशन सेल में भी जाने वाले हैं। मैं एडमिशन सेल में कुछ लोगों को भेजने वाला हूँ, ठीक है, जो कल ऑफिस में जाएंगे AMU के और पता करेंगे कि मामला क्या चल रहा है, कब तक लेगा और सीयूसीटी से लेगा भी या नहीं लेगा, ठीक है। तो गाइज, घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू, हम जितना कर पाएँ आपके लिए हमेशा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना गाइज, क्या ध्यान रखना है बताओ, कि भाई जितनों को भी प्रिपरेशन करना है ना, डेफिनेटली ज्वाइन करो हमारे न्यू बैच को, ठीक है। तो DU में अब एडमिशन, एंट्रेंस होगा, ये तो बात फिक्स है, अब तैयारी उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं सिलेबस सब कुछ भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा और मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा अगर ज़्यादा क्वायरीज आई तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।